आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रावण माह चल रहा है, श्रावण माह अपने अब समाप्ति की ओर है। श्रावण मास 2024 इस बार सोमवार से ही आरंभ हुआ और सोमवार को ही इसका समापन होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल श्रावण मास माना जाता है भगवान शिव का प्रिय मास और भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है, इस तरीके की धारणा है। इसके साथ ही सोमवार का दिन भगवान शिव को बहुत प्रिय है। श्रावण सोमवार का विशेष महत्व सनातन धर्म में है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार, वैसे तो रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त को सोमवार के दिन पड़ रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद के ठीक सामने आवारा मवेशी भी आपको नज़र आ रहे होंगे। बाजार में चहल पहल, ये नज़ारा हम आपको रविवार 18 अगस्त का दिखा रहे हैं। 18 अगस्त के दिन में काफ़ी हद तक बाजार में चहल पहल दिख रही थी और साथ में एक नंदी जिन्हें कहा जाता है, वे भी यहाँ पर सड़कों पर निरीक्षण के लिए, लोगों का कहना यह था कि इंस्पेक्शन के लिए निकले हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे इस बार श्रावण में राखी के पूर्व बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चहल पहल तो वैसे दिखाई नहीं दी, पर जैसे ही श्रावण मास की पूर्णिमा करीब आई वैसे ही बाजार गुलजार होना आरंभ हो गए। राखी की जितनी दुकानें थीं, कपड़ों की दुकानें, सोना चांदी की दुकानें, जितने भी मनिहारी आप पूरे बाजार में अगर घूमते तो रविवार के पहले व्यापारियों के चेहरों पर भी मायूसी छाई ही दिखाई दे रही थी। व्यापारी काफ़ी हद तक मायूस नज़र आ रहे थे क्योंकि बाजार की रौनक गायब थी। रविवार को एक बार फिर बाजार में रौनक लौटती दिखाई दी। बाजार धीरे धीरे गुलजार होना आरंभ हुए। बहनें अपने भाई की कलाई के लिए सुंदर से सुंदर राखी खरीदना चाहती हैं और भाई के लिए नारियल, रुमाल, वस्त्र आदि भी उनके द्वारा, मिठाई, मिष्ठान, तरह तरह के मिष्ठान भी उनके द्वारा क्रय किए जा रहे हैं। फूलों की भी बिक्री एकाएक उठान पर दिख रही है, बिकावली तेज होती नज़र आ रही है फूलों की। इसके साथ ही बहनों के लिए भाइयों के द्वारा भी तरह तरह के वस्त्र, आभूषण आदि क्रय करने का सिलसिला रविवार को देर रात तक जारी रहने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। और जो उसके द्वारा बांधा जाता है उसे राखी कहा जाता है। देखा जाए तो जानकारों का कहना है कि ये सनातन धर्म, हिंदू और जैन धर्म का त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण अर्थात सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूनी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का बहुत पवित्र प्रसिद्ध त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य माना गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाइयों को बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार की छोटी कन्याओं द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को,
भी बांधी जाती है, कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को राखी के बांधने के एवज में कुछ उपहार भी प्रदान करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधने का समय कर्मकांडी विद्वान पंडित या आचार्य के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हुआ प्रतीत होता है। ये श्लोक येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है तेन त्वामापि वदामि रक्षे मा चल मा चल। इसका भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्ष अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित ना होना। इस तरीके की श्लोक में आपको बातें भी मिलती हैं। सिवनी का बाजार धीरे धीरे गुलजार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। रविवार को दोपहर के बाद जब लोग घरों से निकले, रक्षा सूत्र नारियल रुमाल वस्त्र आभूषण आदि क्रय करने के लिए निकले, तो व्यापारियों के चेहरों की होई हुई चमक एक बार लौटती हुई दिखाई दी। सिवनी के मुख्य बाजार बुधवारी बाजार सहित शुक्रवारी बैरोगंज पारा पत्थर डूडा सिवनी छिंदवाड़ा चौक बहुत जगहों पर दुकानें सजी हुई हैं और इन दुकानों में भीड़ अब दिखाई देने लगी है। जो ग्राहक लगातार बाजार से गायब नजर आ रहे थे, वे ग्राहक बाजार की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। ये शहर का मुख्य मार्ग बुधवारी नेहरू रोड से बुधवारी की ओर जाने वाला रास्ता, और यहाँ आप देख सकते हैं अब इस जगह पर खरीदारों की, ग्राहकों की, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे बाजार गुलजार होता प्रतीत हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहनें अपने भाइयों के लिए और भाई अपनी बहनों के लिए, बहनें भाइयों के लिए राखी, नारियल और रुमाल, मिठाई, मिष्ठान, तरह तरह की ये सारी चीज़ें एकत्र कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाइयों के द्वारा भी बहनों के लिए वस्त्र आभूषण चूड़ियाँ श्रृंगार के बहुत सारे सामान आदि क्रय किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बाजार गुलजार होता हुआ आपको यहाँ प्रतीत हो रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर खबरें आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताते हैं कि ये कैसी लग रही हैं खबरें, तो और बेहतर होगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।